hello guys i am here to teach you maths prime class 8 chapter number 14 exercise 14.1 i have already taught you the question number 1 2 3 4 5 6 and now i'm here to teach you question number 7 8 9 10 11 okay so without further delay let's get started and if you want to download the pdf of that video so you can check in the telegram group सो विदाउट फ्रे लेट्स गेट स्टार्ट वॉट इज आवर सेवेंथ क्वेश्चन द एरिया ऑफ अ पेलरोग्राम इज सेवन हंड्रेड एट्टी स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एरिया है पेलरोग्राम की ठीक है ना उसको कितने कहा है पेलरोग्राम का पूरा एरिया कितना है सेवन हंड्रेड एट्टी स्क्वायर सेंटीमीटर है इफ द लेंथ ऑफ द वन साइड इज हाउ मच एक साइड की अगर लेंथ की बात करें तो कितना है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड अब हमको क्या करना है अदर साइड को फाइंड करना है कैसे करेंगे सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि वॉट इज द एरिया ऑफ पेलोग्राम इफ बी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ पेलोग्राम सो इट इज बेस इन टू हाइट सो सिंपली वी विल पुट ऑफ द फार्मूला पुट ऑफ द वैलूज ऑन द फार्मूलाज ओके ना सो इट बिकम 780 equal to 26 multiplied height because base is it is given but height is not given so we simply we will put up the formula so height equal to it becomes 780 upon 26 so we will get 30 so if we talk about the height of parallelogram is so it is 30 okay now nah? so we will move on the next question if one side of parallelogram is 15 centimeter find the length of द साइड परपेंडिकुलर टू द इफ़ द एरिया इज थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझेंगे थोड़ा सा इफ़ द वन साइड ऑफ पेरोग्राम इज फिफ्टीन सेंटीमीटर एक साइड है अगर पेरोग्राम की तो कितनी है फिफ्टीन सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ परपेंडिकुलर अगर साइड क्या है उसकी लेंथ कितनी है परपेंडिकुलर टू इट द एरिया इज थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव स्क्वायर मीटर अब यहाँ पे भी हमको एरिया गिवन है ठीक है ना तो अब हमको क्या निकालना है उसका लेंथ निकालना है ठीक है ना अब हम उसके क्वेश्चन के आंसर्स में चलते हैं ठीक है ना वन साइड ऑफ द पैरलोग्राम इज फिफ्टीन सेंटीमीटर लेट द लेंथ ऑफ द साइड इज एक्स सेंटीमीटर अब हमको लेंथ को तो पता ही नहीं कि लेंथ क्या दिया हुआ है ठीक है ना एरिया इज गिवेन ओके ना थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया इज गिवेन सो सिंपली वी विल पुट अप द फॉर्मूला वी डोंट नो वाट इज़ द Uh, we don't know what is the length, so we will put up the x then fifteen equal to three hundred and seventy five okay now, nah? then x equal to three hundred and seventy five upon fifteen, so we will get x equal to twenty five and this is our answer, okay. Now we will move on the next question. the base and height of our triangles are in the ratio. फोर इस टू फाइव ठीक है ना क्या बोल रहा है कि द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रैंगल मतलब एक ट्रेंगल uh, की बेस और हाइट जो है किस रेशियो पे है फोर इस टू फाइव के रेशियो पर इफ़ द एरिया इज सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द बेस एंड हाइट ठीक है ना अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर उसका एरिया कितना है 640 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो अब हमको क्या बताना है बेस और हाइट को बताना है तो हम सीधी सी क्वेश्चन में कैसे एज्यूम करेंगे लेट द रेशियो बी फोर एक्स एंड फाइव एक्स सीधी सी बात मान लेंगे क्योंकि फोर एक्स फाइव एक्स क्यों मान लिया क्योंकि उसने रेशियो पे क्वेश्चन में गिवन है कि उसका जो रेशियो है कितना है फोर इच टू फाइव है ठीक है ना अब एरिया ऑफ ट्राएंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्राएंगल का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉइंट टू बेस मल्टीप्लाइड हाइट Okay. Now nah? this is the formula of area of triangle. Okay. Nah? Now we'll, we will put up the values. Okay. Now nah? so 640 equal to 1 upon 2 4x and multiplied 5x by 4x and 5x because it is given on the question that the base of the base and height of a triangles are in the ratio of 4 is to 5. That's why we, we have put up the values on the formula. Okay. Now nah? अब क्या करेंगे अब हम इसको 640 को इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो अगर वन अपॉन टू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा 20x का स्क्वायर हो जाएगा आप याद रखिएगा मैंने इसको लिख दिया है ठीक है ना तो ये ट्वेंटी स्क्वायर हो गया अब 640 को क्या करेंगे 640 फोर्टी मल्टीप्लाइड ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड वन अपॉइंट टू अब वन अपॉइंट टू से टू को जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा टेन एक्स स्क्वायर ओके ना अब हम टेन एक्स को इस साइड से साइड जब चेंज करेंगे तो इधर मल्टीप्लाइड में था इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ठीक है ना तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटी फोर सो सिंपली अब जब एक्स हमको लेना है तो उसका अंडर रूट कर देंगे जब अंडर रूट कर देंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा एट आ गया अब क्या करेंगे कि हमारा जो रेशियो था कितना था फोर एक्स था और फाइव एक्स था ठीक है ना तो अब क्या करेंगे हम कि उस वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे एक्स की वैल्यू हमारे पास एट आ गई है तो फोर मल्टीप्लाइड एट बराबर थर्टी टू सेंटीमीटर एंड फाइव मल्टीप्लाई सेंटीमीटर एंड दिस इज आर आंसर ओके वॉट इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन इज थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर वो बोल रहा है कि ट्राइंगर रीजन का एरिया कितना है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड 36 square centimeter perpendicular from the one vertex of the opposite side is. सिक्सटी फोर सेंटीमीटर ठीक है ना जो परपेंडिकुलर है एक साइड से बर्टेक्स जो उसका है तो वो कितना है अपोजिट साइड से सिक्सटी फोर सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस अब हमको इसमें लेंथ बताना है बेस की ठीक है ना सीधे सी सीज़ बात है इसको हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे एरिया गिवन है ठीक है ना हाइट गिवेन है नाउ अब हमको फाइंड करना है एरिया इक्वल टू वन ऑफ टू बेस इंटू हाइट ओके ना हमको बेस ही पता करना है वही हमको चाहिए ठीक है ना जो जो गिवन है वो पूरा हम क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे एरिया गिवन है एरिया है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स इक्वल टू वन ऑपाइंट टू मल्टीप्लाइड सिक्सटी फोर मल्टीपी इड बेस ओके ना अब इसको हम क्या करेंगे वन पॉइंट टू को जब इधर से सॉल्व करेंगे तो वन पॉइंट टू का थर्टी टू हो जाएगा थर्टी टू को जब हम उस साइड ले जाएंगे तो साइड इसका चेंज करेंगे तो इधर ये डिवाइड में होता है उधर जाएगा सॉरी uh, इधर मल्टीप्लाइड में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बेस इक्वल टू कितना आ जाएगा नाइन्टी एट ठीक है ना नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस ऑफ द पेलोग्राम इज ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज एटीन सेंटीमीटर फाइन द एरिया ठीक है ना अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बेस किसका पैलोग्राम का कितना है ट्वेल्व सेंटीमीटर है और उसकी हाइट कितनी है एटीन सेंटीमीटर उसका हमको एरिया निकालना है अब हमको पता है कि वॉट इज द एरिया ऑफ पैलोग्राम बेस इन हाइट वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैलोग्राम ओके ना सो सिंपली वी विल पुट अप द वैल्यू ओवर इट ओके ना सो एरिया इक्वल टू ट्वेल्व मल्टीपाइड एटीन इक्वल टू टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आर आंसर सो आई होप सो you guys like the video so if you think so that video is helpful to you so definitely you guys will like the videos and share with your friend thanks guys thanks for watching